आज़ादी के 50 सालों तक हमारे देश में कोई कानून नहीं था जो विकलांगजन के अधिकार की रक्षा कर सके। फिर 1995 का कानून आया, 1995 का, अब उसको 20 साल हो चुके हैं, वो कानून पुराना पड़ गया है। उस कानून में कुछ विकलांगताएँ हैं और ज़्यादातर विकलांगताएँ नहीं हैं। उस कानून में जैसे हमारे बदिर साथी हैं उनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं है। बहुत सारी विकलांगताएं ऐसी हैं जिनका कुछ जिक्र तक नहीं है। तो हमने एक मांग रखी आज से 4-5 साल पहले पिछली सरकार के समय पे कि हमें नया कानून चाहिए जो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके और एक मजबूत कानून, सिर्फ नाम के वास्ते नहीं, मजबूत कानून। तो काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कानून फिर बना, 4 साल लगे उसके बनने में, मगर कानून बनते बनते जब तक तैयार हुआ तब तक सरकार का आखिरी पड़ाव था। विंटर सेशन था 2014 की बात है और कानून पास नहीं हो पाया। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद नई सरकार आई, नई सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, 6 महीने के बाद हम करा देंगे। फिर उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में भेजा, स्टैंडिंग कमेटी ने काफ़ी समय लिया। फिर उसके बाद वापस सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री आया, सारी जो अलग अलग मिनिस्ट्रियाँ हैं वहाँ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स में जाता है, सारा सब कुछ होता है। जितना कुछ हो सकता था सब हो गया और अब कानून बिल्कुल तैयार है और कानून सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से कैबिनेट को 26 नवंबर को भेजा जा चुका है। अब 26 नवंबर से 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, दिसंबर आ गई, 1, 2, 3, आज 19 हो गई, इतना समय क्यों लग रहा है? नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल मैटर भी नहीं है, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? तो कैबिनेट इसको पास करे, कैबिनेट इसको पास करके पार्लियामेंट तक पहुंचाए। मैं कहता हूं अगर मंडे को भी पार्लियामेंट में पहुंच जाता है तब भी हमारे पास 3 दिन है और मांग हमारी सिर्फ एक है कि कानून हमें अभी चाहिए, इसी सेशन में चाहिए और हम अगले सेशन तक का इंतजार करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि अगर इस सेशन में पास नहीं हुआ, जो विंटर सेशन है अभी जो चल रहा है, जो 23 दिसंबर को ख़त्म होने जा रहा है, अगर इस सेशन में पास नहीं हुआ तो फिर टल जाएगा बजट सेशन में। और बजट सेशन आप लोग जानते हैं कि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सेशन होता है और इन एनी केस बजट सेशन में सरकार का सारा ध्यान मनी बिल्स की तरफ होता है और कोई कानून पास हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो। तो और हम क्यों, अगर कोई कह रहे सर 2 महीने की बात और है, पहले का 6 महीने की बात और है, फिर कहा 2 महीने की बात और है, फिर 2 महीने और, 6 महीने और, तो 2 साल तो हो चुके हैं, कितना इंतजार करें और क्यों इंतजार करें? तो हमारी सरकार से बहुत विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे इस मुद्दे की तरफ ध्यान दें। बाकी तो देश में और सब मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे 7 करोड़ लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, तो इसकी तरफ ध्यान दें, इसको पास करें, कैबिनेट पास करें, पार्लियामेंट में आए मंडे को और पार्लियामेंट इसको पास करें और हमारा कानून, जिस कानून के लिए हम पिछले 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो हमें मिलना चाहिए। बट आई एम हैप्पी कि एकदम से निगलेक्ट किया जा रहा है, क्यों? अब ये तो सवाल ऐसा है, इसका जवाब सरकार दे सकती है। सवाल मजबूत है, सवाल में दम है कि अगर एक तरफ सरकार ये कह रही है कि विकलांगजन के लिए उनके लिए वो सेंसिटिव है, अवेयर है, तो फिर ये कानून निगलेक्ट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए और अभी भी देर नहीं हुई है। सरकार की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई कारण रहा होगा, कोई बात रही होगी, तो अभी भी देर नहीं हुई है। कैबिनेट इसको पास करें, कैबिनेट पास करके इसको पार्लियामेंट में लाए, पार्लियामेंट इसको पास करें।